का हीरा इन किचन में। आज हम माँ बेटी की तरफ से आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, पिछले 20 सालों से मैं लखनऊ में रह रही हूँ, तो मुझे लखनऊ के हर चीज से मोहब्बत सी है, चाहे वो लखनऊ की चिकनकारी हो, चाहे वो लखनऊ का जायका हो, चाहे लखनऊ की गलियाँ हो, चाहे लखनऊ का इमामबाड़ा हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की डिश जो मैं बनाने जा रही हूँ, उसे ट्राई करने के बाद आपको भी लखनऊ के जायके से मोहब्बत हो जाएगी। ये डिश मैंने अपने कजिन से सीखी थी, यूं ही बातों बातों में। तो आइए आज ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं, और जीरा इन किचन की तरफ से आप सभी को ये मदर्स डे का तोहफा। और उम्मीद है आप के घर में सबको, आपके बच्चों को भी और बड़ों को भी, सबको ये डिश बहुत पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों सीखते हैं केले के कबाब बनाना। तो दोस्तों, केले के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 4 कच्चे केले और लगभग 150 ग्राम के आसपास भींगी हुई चने की दाल। इसको हम सोक कर लेंगे 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। और इसके साथ हमने लिए हैं 3-4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, थोड़ी सी हरी धनिया, 10 से 15 कली छिले हुए लहसुन, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग हमने लिया है अदरक, और 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और बारीक कटी हुई लगभग 1 बोल या एक मीडियम साइज प्याज, और गरम मसालों में 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, 1 फूल, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची के दाने, थोड़ी जायत्री और 3-4 लाल मिर्च। और अगर लाल मिर्च आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम केलों को इस तरह से छील लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से हमने केलों को छील के काट लिया है। अब हम इन सब इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। बॉइलिंग करते समय जो हमने भीगी हुई चने की दाल ली थी, वो भी इसी में डालेंगे, साथ में गार्लिक, जिंजर, रेड चिलीज, जीरा, जो भी गरम मसाले हमने लिए थे सब इसके साथ डाल देंगे, और नमक। और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके कबाब खराब हो जाएंगे। पानी डाल के 4-5 प्रेशर कुकर की सीटियां आने देंगे पकने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो इतने खुशगवार मौसम में कबाब खाने का मजा और भी बढ़ जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमने जो केले रखे थे अपने बॉइल होने के लिए, वो पक गए हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा केला, चने की दाल सब एकदम अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब हमको इनका पेस्ट बनाना है, तो हम इनको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर। इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें जो प्याज कटी हुई थी उसको, और लेमन जूस को, और ब्रेड क्रम्स सबको डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने सब मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है दोस्तों, तो तवे पे हम इस तरह से ऑयल लगा लेंगे, या देशी घी या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपको पसंद हो। मैं देशी घी लगा रही हूँ, और अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा इस पे लगा लीजिए। चलिए तो फिर अब बनाते हैं इस तरह से, अपने हाथों से ही पानी में हाथ डिप करके, फिर आप कबाब ऐसे लीजिए तो ये हाथों में चिपकेंगे नहीं। फिर आप इस तरह से कबाब को तवे पे रखते जाइए। ठीक है
ठीक है दोस्तों। तो अब कबाब को पलटने के बाद थोड़ा 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 ऑयल हम और डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कबाब हमारे पूरी तरह से सिक गए हैं। अब हम इनको धीरे धीरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे केले के कबाब बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी से बनाए हमने। आप सभी बनाइए, घर में सबको खिलाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। टेस्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और हाँ, अपने स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए प्लीज, ताकि अगला वीडियो जब भी बनाओ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, कोई क्वेरी, कोई कंप्लेन या कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। और आप सबको एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।